आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण चीज लेकर आपको आए हैं आपके सामने, जो मॉडर्न एयर संबंधित है। घर में बंद बंद तो दिमाग खराब हो गया, लेकिन स्वाभाविक है कि इस विषम परिस्थिति में संपूर्ण लॉकडाउन ही जहां करोड़ों रुपये वायरस को हटाने का एकमात्र माध्यम है, तो उस परिस्थिति में हम लोग निश्चित रूप से इसका पालन करें। तकलीफ होगी, कोई भी गम दुनिया में कितना भी कष्ट तकलीफ आता है तो जाने के लिए सुबह होती है तो सुबह के बाद रात होती है, रात के बाद सुबह होती है, मुसीबत के बाद दुख की घड़ी बीतेंगे, दुख की घड़ी बीतेंगे और आएगा सुख की घड़ी भी। इस बात पर यकीन रखिए, हम इंसान हैं, धैर्य अपना खो देते हैं, धैर्य खोते हैं और तरह तरह की बातें कर लेते हैं, क्योंकि अभी सारे लोग, मैं जानता हूं कि जो भी फेसबुक पर लंद बंद देवानंद कर रहे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू की बात करें मुस्लिम की बात करें, सिख ईसाई करें बात, तो कुछ ना बोलिए उस पर कि बात करें, तो उसका एकमात्र कारण यह है कि घर में बंद पैक 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 सबका दिमाग घूम गया है, एकदम अजीब अजीब सी अवस्था हो गई है। सोइए तो उल्टा सीधा सपना देखिए, जागिए तो टीवी पर देखिए तो टीवी वाले एकदम अजीब दलाली वाला काम कर रहे हैं कि एक चीज़ मरकज 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 मरकज, यानी कि निराकरण का उपाय छोड़ के हमारे पास केवल दोषारोपण करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तो इस विषम परिस्थिति में जब देश संकट की अवस्था से गुजर रहा हो, तो एक दूसरे पर दोषारोपण करने से का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और मतलब रह जाता है कि इस समस्या से कैसे मुक्ति मिले और इस समस्या से हम लोग कैसे बाहर निकल पाए। मैं भी कुछ पोस्ट डालता हूँ, कभी मन में अजीब अजीब बेचैनी आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं जैसे अखलाक साहब हैं गोपालगंज में, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, वो हमारे शागिर्द हैं और मुझे जहाँ तक याद है कि वो बिल्कुल फ्री में ही पढ़े थे, फिर भी उन्होंने ये कहा कि हमारे इसे गुरु से इसी तरह की अपेक्षा की जाती है। तो स्वाभाविक है कि जब जिसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूँगा, नौकरी लग जाने के बाद वो इस तरह की बात बोले तो समझ सकते हैं कि अच्छा ही लगता होगा। आपको भी, आप भी अगर किसी के साथ बहुत कीजिए और आपके विरुद्ध ऐसा लिखे तो बहुत अच्छा करेगा। मेरा एक भतीजा है, अभी 56-57 में DSP बना है और बहुत ही छोटा बच्चा, लेकिन अच्छे दिमाग का है। उसी कहने पर मैंने सारा एक पोस्ट भी मैंने हटा दिया और उसने कहा कि अंकल आप इससे आपकी बातें लोगों तक पहुंचती है तो मैं किसी भी धर्म का विरोध क्या करूंगा। भाई मैं धर्म का विरोध क्यों करूंगा और काहे के लिए करूंगा? क्या ये कोरोना वायरस के कहर से हम बहुत मस्ती में हैं? क्या हमारे मकान मालिक लोग हम रूम किराया लेना छोड़ देंगे? हमारे शिक्षक बहुत बढ़िया से हैं, हमारे बच्चे बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं, सबका परीक्षा है, सब अपने भाग किराए इधर उधर भाग रह के पढ़ रहे हैं। तो मुझे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बेड़ा में मत रखिए, और इस लकीर को मैं बहुत दूर तक ला चुका हूँ। अगर हिम्मत है तो इस लकीर में आने का प्रयास, इस लकीर को लांगने का प्रयास कीजिए, वो तो होगा नहीं। और लेकिन फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इतना तगड़ा मोबाइल लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ चकचक मोबाइल पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, देखते हैं कि कोई देखने जा रहा है, आप कुछ लिख रहे हैं तो लिखें आप लोग। लेकिन इतना बात याद रखें कि देश न हिंदू का है, न मुसलमानों का है, न सिख का है, न ईसाई का है, देश हम तमाम भारतवासियों का है। और इस संकट घड़ी में तमाम भारतवासियों का यह पवित्र धर्म कर्तव्य बन जाता है कि हम इस देश को संकट के से मुक्ति दिलाएं और इस कोरोना रूपी वायरस जो राक्षस के रूप में विकराल रूप धारण करते जा रहा है उससे हम लोग मुक्ति दिलाएं। स्वाभाविक है जबकि थोड़े दिन के लॉकडाउन में स्थिति खराब हो गई है, सबकी माथा सनक रहा है, लग रहा है कि पागल आदमी हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में भगवान न करे कि लंबा खींचे और हम लोग आपस में मिलजुल कर इसका निराकरण करें, दुआ करें, प्रार्थना करें।
कि इस मुसीबत का से निजात हम लोग मिले। सोचिए इटली की क्या हालत होगी, अमेरिका का हालत क्या हालत हुई होगी, और चाइना का तो खैर नाम ये चाइना के नाम पर दिमाग मेरा घूम जा रहा है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तमाम हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। ये बहुत पहले मैं बच्चा था तो एक फिल्म आई थी देश प्रेमी अमिताभ बच्चन की, नवीन निश्चल की फिल्म थी। तो उस फिल्म में फिल्म की बात आज हमको बार बार याद आती है और गुनगुनाता रहता हूँ कि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। तो ये अखंड भारत के निर्माण की सपना जिस इसे मशक्क़त से कुर्बानी देकर हम लोगों ने पूरा किया है, स्वाभाविक है उस समस्या को सपना को दूर करें और भारत को एक मजबूत भारत बनाने का प्रयास करें। क्योंकि भारत हमारा नहीं है, आपका नहीं है, हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, सिख का नहीं है, ईसाई का नहीं है, तमाम भारतवासियों का 1,35,00,000 जनसंख्या का भारत है। और भारत से बड़ा कोई महान देश नहीं है, इतना बात याद रखिए। संकट आई है, निश्चित निसंदेह संकट आई है, और संकट टल जाएगी, ये इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आपस में मोहब्बत से रहना ये आपका सबसे परम धर्म कर्तव्य बनता है, जिसका आप पालन करेंगे हमें पूर्ण विश्वास है। तो आज कुछ बिंदुओं की हम चर्चा करें, उसके पहले सबसे पहले हम चर्चा करें आपको कि कारखाना अधिनियम आपको कारखाना अधिनियम ब्रिटिश सरकार के अधीन कारखाना अधिनियम था। तो कारखाना अधिनियम में 1881 का कारखाना अधिनियम, सबसे पहला कारखाना अधिनियम 1881 का कारखाना अधिनियम, यह रिपन के समय पारित हुआ था। 1881 का कारखाना अधिनियम रिपन के समय पारित हुआ था, रिपन के समय पारित हुआ था। और इसके मुख्य प्रावधान थे, पहला 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा, ये बात थी। दूसरा था 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के काम के घंटे को निर्धारित कर दिया गया। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के काम के घंटे को निर्धारित कर दिया गया। तीसरा, प्रतिदिन 1 घंटा का आराम दिया जाएगा मजदूरों को, प्रतिदिन 1 घंटा का आराम दिया जाएगा। और चौथा, महीने में चार दिन की छुट्टी होगी। और पांचवा, खतरनाक मशीनों की घेराबंदी की जाएगी। अब है दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 लैंसडाउन के समय में था। इसमें था 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। 9 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों से 4 घंटे काम लिए जाएंगे। 9 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों से 4 घंटे काम लिए जाएंगे। तीसरा है, 14 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों से आपको 7 घंटे काम लिए जाएंगे। 7 घंटे काम लिए जाएंगे। और नेक्स्ट है कि किसी भी परिस्थिति में 11 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में 11 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा। और इसी में पहली बार दोपहर में छुट्टी की व्यवस्था की गई। उसके बाद तीसरा कारखाना अधिनियम आपको था 1911 लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, मुख्य प्रावधान था इसमें सुबह सात बजे से लेकर शाम पाँच बजे तक काम करना था। दूसरा था पुरुषों के काम के घंटे 12 वर्ष निर्धारित किए गए। और घंटे निर्धारित किए गए। और तीसरा था, और उसके बाद है चौथा कारखाना अधिनियम में, इसमें 1922 रीडिंग, आप जानते होंगे कि रीडिंग को एकमात्र यहूदी वायसराय कहा जाता है, इरविन को एक क्रिश्चियन वायसराय के नाम से जाना जाता है। तो ये चौथा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग, इसका मुख्य प्रावधान है कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा।
12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद है बच्चे के कार्य करने की अवधि 6 घंटा निर्धारित कर दी गई, बच्चे की कार्य करने की अवधि 6 घंटे निर्धारित कर दी गई। 5वां कारखाना अधिनियम 1934 विलिंगटन का है, विलिंगटन था उस समय, इसमें था मौसमी तथा दैनिक मजदूरों में अस्पष्ट अंतर निर्धारित किया गया, मौसमी तथा दैनिक मजदूरों में अस्पष्ट अंतर निर्धारित किया गया। मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई, मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की बात की गई। और तीसरा था बच्चों के कार्य की अवधि 5 घंटे निर्धारित किए गए, बच्चों के कार्य की अवधि 5 घंटे निर्धारित किए गए। और चौथा था वयस्कों की कार्य की अवधि, एडल्ट पर्सन की कार्य की अवधि 10 घंटे निर्धारित किए गए, 10 घंटे निर्धारित किए गए। उसके बाद है आपको 6ठा कारखाना अधिनियम 1944 वेबेल था उस समय, वेबेल इसका मुख्य प्रावधान था, इसमें पहली बार कैंटीन की व्यवस्था की गई, पहली बार कैंटीन की व्यवस्था की गई। उसके बाद अस्पताल आपातकाल में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति करने की बात की गई, आपातकाल में मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति करने की बात की गई। और मजदूरों के अंग भंग की स्थिति में उनके प्रत्येक अंग का, मजदूरों के अंग भंग की स्थिति में उनके प्रत्येक अंग का मूल्य निर्धारित किया गया। और उसके बाद चौथा था काम के घंटे 10 घंटे से घटाकर 9 घंटे कर दिए गए, काम के घंटे 10 घंटे से घटाकर 9 घंटे कर दिए गए। उसके बाद आपको नोट में है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम, स्वतंत्र भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम 1948 में बना, याद रखिएगा इसको। अब महत्वपूर्ण वामपंथी संगठन, महत्वपूर्ण वामपंथी संगठन कारखाना अधिनियम के पश्चात महत्वपूर्ण वामपंथी संगठन, आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैंने क्रांतिकारी संगठन बता दिया था तो उसमें आप देखिएगा। अक्टूबर 1920 में एमएन राय, जिनका वास्तविक नाम मानवेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, इन्होंने द्वितीय कम्युनिस्ट कॉमनवेल्थ में भाग लिया ताशकंद में, तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में की, ठीक है। दूसरा 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने, 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। तीसरा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1934 में बंबई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, बंबई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। उद्देश्य था समाजवादी आधार पर कांग्रेस का निर्माण करना, समाजवादी आधार पर कांग्रेस का निर्माण करना। और आपको बताते चले कि 1934 में ही भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम सम्मेलन पटना में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में कांग्रेस मैदान में हुआ, कांग्रेस मैदान में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है 1936 में जयप्रकाश नारायण ने, 1936 में जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक समाजवाद क्यों, समाजवाद क्यों में समाजवादी पार्टी के 3 उद्देश्य निर्धारित किए, समाजवादी पार्टी के 3 उद्देश्य निर्धारित किए। पहला, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को पूर्ण आज़ादी मिले, ब्रिटिश साम्राज्यवाद से भारत को पूर्ण आज़ादी मिले। दूसरा, भारतीयों को अपने भविष्य के लिए स्वतंत्र पूर्वक संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो, संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त हो। तीसरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना हो, समाजवादी राज्य की स्थापना हो, निजी संपत्ति का उन्मूलन हो, निजी संपत्ति का उन्मूलन हो। उसके बाद है फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक मार्च 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कानपुर के मुकर नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उद्देश्य था साम्राज्य विरोधी क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील तत्वों को, साम्राज्य विरोधी क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील तत्वों को एक झंडे के तले लाकर वामपंथ को मजबूत करना,
वामपंथ को यहाँ मजबूत करना। नेक्स्ट है उसके बाद भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939, भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939 भारतीय बोल्शेविक पार्टी 1939 स्थान बंगाल संस्थापक नरेंद्र दत्त मजुमदार अन्य सदस्य अजीत राय, शिशिर राय एवं विश्वनाथ दुबे। उद्देश्य था राष्ट्र को विदेशी चंगुल से मुक्त कराना, और दूसरा था भारतीय समाज में जो वर्ण के आधार पर विषमता थी उसको मुक्त करना। अब उसके बाद हम लोग देखें क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, ये स्थान बंगाल संस्थापक बीसी बोस, उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना तथा भारत में समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना। उसके बाद है द रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी 1940। संस्थापक M.N. राय, बंगाल, उद्देश्य अतिवादी लोकतंत्र की स्थापना पर बल दिया गया। उसके बाद है बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी 1941, स्थान बंगाल, संस्थापक इंद्रसेन एवं अजीत राय, उद्देश्य यह पार्टी श्रीलंका तथा बर्मा के समाजवादी पार्टियों के सहयोग से बनी थी। इसने द्वितीय युद्ध का घोर विरोध किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोर विरोध किया। उसके बाद आपको आइए भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1941, स्थान कलकत्ता, संस्थापक सोमेंद्रनाथ बनर्जी, यह एकमात्र कम्युनिस्ट संगठन था जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। याद रखिएगा, यह यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन वामपंथी संगठन से या क्रांतिकारी संगठन से नहीं पूछेगा। अब हम देसी रियासत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करने जा रहे हैं। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, इसमें से एक प्रश्न रहने की पूर्ण संभावना है। पहला है 1937 से 1939 तक देसी रियासत में राजनीतिक चेतना चरम सीमा पर थी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कुल तुमने इतना छोटा कर दिया कि कुल देसी रियासतों की संख्या 562 थी, जिसका क्षेत्रफल 7,12,000 वर्ग किलोमीटर था, जनसंख्या 8.10 करोड़ थी। तीसरा, 562 में से 108 बड़ी रियासतें थी
562 में से 108 बड़ी रियासतें थी जो नरेंद्र मंडल के सदस्य थे, 562 में से 108 बड़ी रियासत थी जो नरेंद्र मंडल के सदस्य थे। चौथा, सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के, सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के अंतर परिषद के गठन का सुझाव, सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के अंतर परिषद के गठन का सुझाव 1876 में लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया, लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया। लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी कही कि ओवेन मेरिडिथ के नाम से वो कविता लिखता था। नेक्स्ट है, देसी रियासतों के बीच, देसी रियासतों के बीच, देसी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से, देसी रियासतों के बीच संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई, नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के नाम से जाना जाता है, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, देसी रियासतों की समस्याओं से संबंधित, देसी रियासतों की समस्याओं से संबंधित प्रक्रिया की जांच के उद्देश्य से 1927 में बटलर कमेटी की नियुक्ति की गई। इसको भी देखिएगा, इसलिए कि पूछता है 1927 बटलर कमेटी कब, 1927, इसको जरूर जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है, सबसे बड़ी देसी रियासत हैदराबाद थी, सबसे बड़ी देसी रियासत हैदराबाद थी जिसकी कुल जनसंख्या 1.65 करोड़ थी, जिसकी कुल जनसंख्या 1.65 करोड़ थी। सबसे छोटी देसी रियासत आपको बिलवाड़ी थी, बिलवाड़ी राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1 एकड़ वर्ग किलोमीटर था, जनसंख्या केवल 27 थी, इसकी जनसंख्या केवल 27 थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने औंध रियासत का संविधान बनाया था, महात्मा गांधी जी ने औंध रियासत का संविधान बनाया था। नेक्स्ट, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा गुजरात में है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में पहली बार यह निर्धारित किया गया कि या घोषित किया गया कि पूर्ण स्वराज के अंतर्गत देसी रियासत और ब्रिटिश भारत दोनों आते हैं, पूर्ण स्वराज के अंतर्गत देसी रियासत और ब्रिटिश भारत दोनों आते हैं। नेक्स्ट, 1939 में ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के, 1939 में ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्ष के साझे लक्ष्यों को सामने रखने के लिए अखिल भारतीय जन सम्मेलन, ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय जन सम्मेलन ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए। नेक्स्ट, 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने यह स्पष्ट कर दिया कि देसी रियासतों का अस्तित्व समाप्त होगा, या तो वो भारत में मिलेंगे या पाकिस्तान में। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 को बहुतर देसी रियासतों को भारत के अधीन कर दिया गया, 15 अगस्त 1947 को बहुतर देसी रियासतों को भारत के अधीन कर दिया गया, भारत के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट, रियासतों के पुनर्गठन के जांच के लिए सरकार ने 1953 में
फजल अली के नेतृत्व में, फजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया, हृदयनाथ कुंजरू तथा केम पन्निकर इसके अन्य सदस्य थे, दिसंबर 1954 में फजल अली ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, नेक्स्ट 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया गया, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया गया, जिसके अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसी अधिनियम के तहत, 1960 में बंबई को गुजरात एवं महाराष्ट्र में बांट दिया गया, 1960 में बंबई को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया। नेक्स्ट, एक दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, 1966 में पंजाब को हरियाणा से अलग कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश का विजन इसी समय हुआ था, नेक्स्ट, स्वतंत्रता के पश्चात पटेल के प्रयास से, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से देसी रियासतों में से 434 को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, नेक्स्ट, हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के बल पर जूनागढ़ को जनमत संग्रह पर कश्मीर को विलय पद पर हस्ताक्षर के बाद विलय कर लिया गया। नेक्स्ट, भोपाल, ग्वालियर, पटियाला, रामपुर, बड़ौदा ब्रिटिश सरकार के अत्यंत ही निकट होने के कारण इन्हें स्टार ऑफ इंडिया के नाम से विभूषित किया गया। ये आप लोग इसको पूरी तरह से याद रखेंगे, बहुत ही नितांत आवश्यक है इसको याद रखना। अब थोड़ी सी बातें एक और हम चर्चा कर लें कि कुछ नोट में लिखेगा, नोट में सैमुअल होर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन का विरोध किया था, दूसरा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीसरा, 1930 में साबरमती आश्रम छोड़ने के क्रम में, 1930 में साबरमती आश्रम छोड़ने के क्रम में गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं उस समय तक साबरमती आश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा जब तक देश को स्वराज्य नहीं मिल जाता है। नेक्स्ट, 1932 में महात्मा गांधी ने हरियाणों के कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। नेक्स्ट, दलितों को हरिजन नाम महात्मा गांधी ने ही दिया था,
इधर हमको अजीब विडम्बना लगता है, हरिजन हरि का जन तो सब है लेकिन फिर भी इतिहास की बात है, इतिहास के अंतर्गत ही उसको रखेगा। दलितों को हरिजन नाम गांधी जी नहीं दिया था, ने 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से 2000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा शुरू की थी। 2000 किलोमीटर की हरिजन यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट, हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन इस संकट की घड़ी में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए हम बता दें कि 15 जनवरी 1934 को बिहार में भयानक भूकंप आया था। गांधी जी ने कहा था कि यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दंड है। उस समय की बात छोड़िए, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हरिजनों के उत्थान के लिए 8 मई और 16 अगस्त 1933 को गांधी जी दो बार अनशन पर बैठे थे। नेक्स्ट, 25 जून 1934 को पूना में केरकर के द्वारा गांधी जी के फिएट कार पर बम फेंका गया। देखो तो बेहूद हो गई, उठा नहीं रहा है। फिर नोट में लिखेगा, आजाद हाई स्कूल के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान द आर्या के संस्थापक अरविंदो घोष। हेलो, अरे क्वेश्चन आप पूछो ना, कहे नहीं पूछ रहे हो, लाइव देख रहे हो। पूछो क्वेश्चन, पूछो लाइव में आओ। क्या नाम है तुम्हारा? लाइव में आओ। द आर्या के संस्थापक अरविंदो घोष पेशवा के संपादक अजीत सिंह अमेरिका में भारत के प्रथम राजदूत आसफ अली भारतीय आदिम जाति संघ अभियान। पानी दे दो बेटा। भारतीय आदिम जाति संघ अमृतलाल ठक्कर बापा विधवा मंडल के संस्थापक अमृतलाल ठक्कर बापा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अमृतलाल ठक्कर बापा प्रथम भारतीय जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चुना गया दादा भाई नौरोजी, प्रथम भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया डब्ल्यू सी बनर्जी प्रथम विधवा जिसका पुनर्विवाह हुआ, रायमणि थी
अरे बोलो ना, वही लड़का है यार। हाँ बोलो। अरे इस पर पूछो यार, तुम हमारे फेसबुक के साथ नहीं हो? फेसबुक के साथ नहीं हो? तो अब तो इस मुन्ना को सब लिखवा देना, समझे? मुन्ना लिखवा देना, हम ही कर देंगे। अरे वो क्वेश्चनवा लिखवा देना मुन्ना को, तो नहीं है क्वेश्चन, ये क्वेश्चनवा लिखवा देना, तो अभी हम लाइव पे हैं, तुम्हारे एको जवाब दे हम तब। अभी लाइव पे हम हैं, लाइव पर तुम हो नहीं। प्रथम विधवा जिसका पुनर्विवाह हुआ, रायमणि कूदी आंसू इसके रचयिता थे ई वी रामास्वामी नायकर। सन्स एंड डाउटर्स ऑफ इंडिया श्रीमती एनी बेसेंट, स्काउट एंड गार्ड्स ऑफ ऑनर, एनी बेसेंट, द ब्रदर ऑफ सर्विस, एनी बेसेंट, नेशनल सॉन्ग, एनी बेसेंट, हाउ इंडिया फाउट फॉर फ्रीडम, एनी बेसेंट, मेरठ षड्यंत्र केस में बचाव पक्ष के वकील कैलाश नाथ काटजू थे, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। पुण्य आत्मा गोपाल कृष्ण गोखले, मर्चेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, आधुनिक भारत का चाणक्य श्री राजगोपालचारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिमाग श्री राजगोपालचारी, मलेच्छ अलग, अंतर्यामी अलग, किशोरी अलग, सागर अलग, संगीत अलग, इंडिया फॉर फ्रीडम अलग, फॉरवर्ड, इन सब के लेखक चित्रंजन दास थे। नेक्स्ट, सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। नेक्स्ट, 1938 में विश्व ईसाई सम्मेलन मद्रास में हुआ। मद्रास में हुआ जिसकी अध्यक्षता सीएफ एंड्रयूज ने की थी। इस्लामिक हाई स्कूल, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, इस सब के संस्थापक थे जाकिर हुसैन। रुकैया रेगना के नाम से कविता लिखते थे। जाकिर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी।
जागीर हुसैन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। जमुना लाल बजाज ने महात्मा गांधी को सेवाग्राम का आश्रम भेंट में दिया था। एक घंटा में कटता है। समाजवाद क्यों, व्हाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण। भारत की आशा, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिता, भारत का प्रथम आर्थिक चिंतक, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन के प्लान के सिद्धांत का प्रतिपादक, दादा भाई नेहरू जी। यदि मनुष्य में देवत्व है तो वह नेहरू जी में है। यह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा, बहादुर 72, आनंद चार्लू को बहादुर 72 के नाम से जाना जाता है। वह महिला क्रांतिकारी जिसने पोटासियम साइनेट खाके आत्महत्या कर ली, उनका नाम था प्रीति लता। अंडमान निकोबार जेल में आमरण अनशन से मृत्यु हुई वासुदेव बलवंत फड़के की। एक बात याद रखिएगा कि 64 दिन की भूख हड़ताल से लाहौर जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी और बर्मा की आजादी को लेकर 164 दिन की भूख हड़ताल किया था रेवरंड राय ने। कपाल कुंडला दुर्गेश नंदनी आनंद मठ मृणालिनी रजनी चंद्रशेखर, ये सब बंकिम चंद्र चटर्जी की है। बाल मुकुंद के राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय थे। भगत सिंह के राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एम जी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसे याद रखिएगा। लीडर हिंदुस्तान अभ्युदय ये मदन मोहन मालवीय ने लिखा था। महात्मा गांधी के निजी सचिव महादेव देसाई और महात्मा गांधी के निजी दूत सुधीर घोष द वॉइस ऑफ फ्रीडम मोतीलाल नेहरू ने लिखा। एक मौलाना अल्लामा इकबाल ने बंग दर्रा नामक पुस्तक में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा, जबकि इनकलाब जिंदाबाद
नारा का प्रयोग करने वाले भगत सिंह थे, भगत सिंह थे। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का पत्र है, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू का पत्र है। आधुनिक संविधान का ब्लूप्रिंट निर्माता, आधुनिक संविधान का ब्लूप्रिंट निर्माता मोतीलाल नेहरू। बिहारी स्टूडेंट सभा, बिहारी स्टूडेंट सभा 1906 में हुआ, पटना कॉलेज, पटना कॉलेज में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड सत्याग्रह इन चंपारण, सत्याग्रह इन चंपारण, महात्मा गांधी एंड बिहार, महात्मा गांधी एंड बिहार, ये सारा का सारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। देश, देश राजेंद्र प्रसाद की पत्रिका है। रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस ने 1912 में जब लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था दिल्ली के चांदनी चौक पर, तो भागकर जापान चले गए और वहीं एलिना नामक जापानी महिला से विवाह करके जापान में ही बस गए रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस लाला हरदयाल को विदेशों में संत, लाला हरदयाल को विदेशों में संत, जबकि अरविंदो घोष को क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता है। लाला हरदयाल को विदेशों में संत, जबकि अरविंदो घोष को, जबकि अरविंदो घोष को क्रांतिकारी संत के नाम से जाना जाता है। आर्य समाज, आर्य समाज पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन ऑफ इंडिया, ये लाला लाजपत राय ने लिखा, लाला लाजपत राय ने लिखा। द वंदे मातरम, द वंदे मातरम, द वंदे मातरम पंजाबी, पंजाबी द पीपुल, द वंदे मातरम पंजाबी द पीपुल लाला लाजपत राय की रचना है। भारतीय अशांति की माता मैडम भिकाजी कामा को वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था, भारतीय अशांति की माता मैडम भिकाजी कामा को वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। भारतीय अशांति की पिता, भारतीय अशांति का पिता वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। वीर सावरकर का चित्र, वीर सावरकर का चित्र संसद भवन में लगा है, जिसे चंद्रकला कदम ने बनाया था। वीर सावरकर का चित्र संसद भवन में लगा है, जिसे चंद्रकला कदम ने बनाया था। प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू थे, प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू थे जिसे स्टालिन शांति पुरस्कार मिला था, जिन्हें स्टालिन शांति पुरस्कार मिला था सैफुद्दीन किचलू को। सरोजिनी नायडू ने द वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स एंड द ब्रोकन विंग नामक पुस्तक लिखी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। झील की रानी नामक कविता, झील की रानी नामक कविता सरोजिनी नायडू ने लिखी। टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार, टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार राधा कृष्ण को प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को शेरनी कहा था, स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता को शेरनी कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता को लोकमाता कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता को, रविन्द्रनाथ टैगोर आपको, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सिस्टर निवेदिता को लोकमाता कहा था। द वेव, वेव ऑफ इंडियन लाइफ सिस्टर निवेदिता की पुस्तक है, सिस्टर निवेदिता की पुस्तक है। अरविंदो घोष ने सिस्टर निवेदिता को अग्निशिखा कहा था, अग्निशिखा कहा था। नवाब वाजिद अली शाह ने 1857 के विद्रोह के समय वीरांगना उदा देवी नामक सैन्य संगठन की स्थापना की थी,
आपको बताते चले कि नवाब वाजिद अली शाह ने 1857 के विद्रोह के समय वीरांगना उदा देवी नामक सैन्य संगठन की स्थापना की थी। आत्महत्या एनी बेसेंट की रचना है, आत्महत्या एनी बेसेंट की रचना है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की रचना है। मैडम भीखाजी कामा को रंगीन महिला क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। मैडम भीखाजी कामा को रंगीन महिला क्रांतिकारी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर ग्रीगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। इसको एक दो तीन चार बार सुन लीजिएगा, फायदा करेगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक शिक्षक हूँ, एक गुरु हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको भारत से मतलब है। प्लीज़ मेरी बात को किसी भी तरफ से अगर आपको बुरा लगता हो किसी भी आदमी को, तो हमें क्षमा करेंगे। अभी वक्त है संकट का, कोरोना रूपी भयावह संकट का। इस संकट से गुजरने का एक तरीका मात्र है कि फेसबुक पर कुछ ना कुछ लिखा जाता है और आप लोग भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो सबको भुलाइए, क्योंकि देश है हमारा और सिपाही हम इस देश के, इस देश की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश ना होकर तमाम भारतीयों का देश है। इस अखंड भारत की रक्षा हम मिलजुल कर करें, और निश्चित रूप से हमारे मिलजुल जाने से तमाम दुश्मनें जिस तरह पराजित हुई है, उस तरह कोरोना रूपी दुश्मन भी पराजित होगा और देश जीतेगा। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाड़ में जाए, हम भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते भारत की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और हमें पूर्ण आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग तमाम हमारे भाई बहन, हमारे स्टूडेंट, हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे तमाम लोग मिलकर इस देश की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, अल्लाह से प्रार्थना करें, और तमाम उन आवश्यक तथ्यों को जो कि हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए आवश्यक है, उसका अनुपालन करें। और अभी वर्तमान में अनुपालन करने का सबसे महत्वपूर्ण ढंग है तो केवल दो चीज है। एक, हम एक हों, क्योंकि हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। और दूसरा, कंप्लीट लॉकडाउन। हम आते रहेंगे डेली कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। आज बहुत महत्वपूर्ण जो उसको मैंने चर्चा की, मैंने क्रांतिकारी संगठन बता दिया था, आज मैंने आपको बताया देशी रियासतों संबंधी सारे तथ्य, उसमें जो क्वेश्चन आता है। मैंने बताया फैक्ट्री अधिनियम, उसमें जो क्वेश्चन आता है। मैंने बताया महत्वपूर्ण वामपंथी संगठन, उसमें क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैंने बताया कुछ विविध तथ्य, इसको आप लोग सुनते रहेगा, याद रहेगा, उसमें क्वेश्चन आता है। लेते हैं ब्रेक। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से, कैमरामैन आप, हम तमाम लोगों के साथ। ईश्वर अल्लाह हमें इस मुसीबत से जल्द निजात दिलवाए, क्योंकि आप लोग को देखे बिना मन ललच गया है। तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। आई लव यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।